हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर और डिस्टेंस की डिग्री की वैल्यू को लेकर कि यानी कि डिस्टेंस की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रेगुलर की क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं नहीं कर सकते, नेट का एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं जो आपके डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, जब हम अपनी स्टडी करें तो स्टडी करने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है कि हमें वो रेगुलर से करना चाहिए, डिस्टेंस से करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से करें, किस कॉलेज से करें, तो उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लाइफ में जो एजुकेशन होती है उसको एक बार ही लेते हैं, बार बार तो हम एजुकेशन कंप्लीट अपनी नहीं करते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको लेकर आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेगुलर और डिस्टेंस की डिग्री की वैल्यू होती है, इस पॉइंट को लेकर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप पूछते हैं मेरे से, तो इसमें यदि हम बात करें कि वैल्यू की ऑन डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑन डॉक्यूमेंट मतलब जैसे आप गवर्नमेंट का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या कहीं आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, तो ऑन डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो आपकी वैल्यू होती है रेगुलर की और डिस्टेंस की बिल्कुल बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि आपके जो रेगुलर वाले हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जो डिस्टेंस वाले हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी कोई भी गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक या परम स्नातक किया हुआ हो, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए वो वैकेंसी आ रही है, जिस लेवल के लिए, वहां पर ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपने वो रेगुलर से किया हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर से किया हुआ हो या डिस्टेंस से किया हुआ हो, ऐसा कहीं पर कोई मेंशन नहीं होता है। यानी कि जो रेगुलर और डिस्टेंस वाले हैं दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, दोनों की जो वैल्यू है बराबर है। तो साथियों, ये तो था पहला पॉइंट, वो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, यदि आपने यूजी किया है और उसके बाद में आप पीजी में एडमिशन लेने जाते हैं, डिस्टेंस से आपने किया है, रेगुलर से किया है, तो जब पीजी के लिए मेरिट लगती है तो क्या डिस्टेंस वालों की अलग लगती है, रेगुलर वालों की अलग लगती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो रेगुलर और डिस्टेंस से आपने यूजी किया है और पीजी के लिए आप जा रहे हैं तो दोनों की मेरिट होती है, वो कंबाइंड लगती है। ऐसा नहीं कि आपने यूजी से किया, जो आपने डिस्टेंस से किया है या प्राइवेट से किया है या आपने रेगुलर से किया है, तो उनकी सबकी अलग अलग मेरिट लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी जो मेरिट है वो एक साथ लगती है। तो साथियों, आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि यदि हम आगे कुछ बड़ा करने जाते हैं, जैसे हमें पीएचडी करना है, नेट का एग्जाम देना है, तो क्या हम डिस्टेंस वाले जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर तो कर ही सकते हैं, बस ये जो क्वेश्चन आता है उन बच्चों के माइंड में आता है जो डिस्टेंस से करते हैं। तो साथियों, यदि आप डिस्टेंस से अपना पीजी करते हैं उसके बाद में नेट का एग्जाम देने जाते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं रेगुलर से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने रेगुलर से नहीं किया, डिस्टेंस से किया, तो आप पीएचडी या नेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और उसमें जो परसेंटेज रेगुलर वालों की चाहिए होती है वही आपकी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो अलग से है। तो आप जो है अपना जो आगे इन फ्यूचर पीएचडी करना चाहते हैं या नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपने यूजी डिस्टेंस से किया है तो क्या आप रेगुलर से अपना पीजी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आपने जो डिस्टेंस से अपना यूजी किया है, पीजी आप रेगुलर में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें रेगुलर से करना चाहिए या डिस्टेंस से करना चाहिए, तो इस पर मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो साथ ही यदि आपके पास समय है, यानी कि टाइम है, आपके पास किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड का प्रेशर है कि आप जो है पैसे भी आपको मैनेज करना है, फैमिली भी देखनी है, तो आप अपना रेगुलर से करें। रेगुलर से करने के बेनिफिट क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप रेगुलर से करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन है, जो आपको नॉलेज मिलती है, कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारी सब चीजें आपके अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बहुत सारी सब चीजों में चेंजेस आते हैं, तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपका उसका जो है अलग इफेक्ट पड़ता है। तो यदि आपके पास किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तो आप जो है रेगुलर से करें।
अब यदि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आप उस केस में डिस्टेंस से कर सकते हैं। उस केस में आप डिस्टेंस से करिए, क्योंकि डिस्टेंस से करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो आपकी डिस्टेंस की फीस होती है वो बहुत कम होती है। दूसरी चीज, आपको डिस्टेंस में कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड हो जाती है, या आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो जाता है, आप अपना घर से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो रेगुलर में कोर्स नहीं कर सकते हैं। यदि वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या कोई एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि कोई एमएनसी में कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो अपना साथ के साथ प्रमोशन के लिए वो अपना एजुकेशन को बढ़ा सकता है। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो होता है अपना डिस्टेंस एजुकेशन का, या अपना वो प्राइवेट से भरे, तो उसके पास में यही ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आप जो है डिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं। तो साथ ही मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।